अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बंद गोभी काटी जा रही है, तो ये आपको आज मैं बंद गोभी और मटर बनाकर खिलाऊंगा। ये देखें, बंद गोभी ले ली थी मैंने तकरीबन 1.5 किलो ना। मैं इसको काट रहा हूँ बंद गोभी को, ये बारीक बारीक ऐसे काट लेनी है बंद गोभी ना। मटर को भी छील रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मटर छिले हुए। तो ये बंद गोभी को देख कर आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी टेस्टी बनेगी ना आज की ये सब्ज़ी ना हमारी। देखिए मटर मैंने छीले हुए हैं तकरीबन, ये 1/2 किलो मटर है तकरीबन। मैंने ना इसको छील लिया था ना पहले ही। ये बस बंद गोभी कटने ही वाली है, जैसे कट जाती है फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे बनाना और किस तरह बनाना ताकि ये लजीज बने। ठीक है, धनिया काट लें, सारा सामान तैयार कर लेना, उसके बाद इसको पकाने के लिए रखेंगे। ठीक है, देखिए धनिया कट रहे, टमाटर भी काट ले, टमाटर भी काट लिए। मसाला सारा बना के रख लेना, फिर पकाने में आसानी होती है ना, साथ साथ फिर कौन बनाए। पहले इसको साथ साथ टमाटर कट जाएंगे, टमाटर के बाद प्याज बनाने वो भी आपको बताता हूँ। तकरीबन हमने 3 टमाटर लेने हैं। ठीक है, 3 टमाटर लेने हैं, 2 प्याज लेने हैं, इनको बनाना है। ये 2 प्याज ले लेने हैं, उनको छीला हुआ है, ये ईरानी प्याज हैं वाइट वाले ना, आजकल ये प्याज निकले हुए ईरानी प्याज ना वाइट वाले, ये अच्छे हैं, ये जल्दी मतलब गल जाते हैं ना, ये ईरानी प्याज कहते हैं इनको वाइट वाले। ये मैं दिखाता हूँ ईरानी प्याज होते कैसे हैं, देखें ये ऐसे ये होते हैं ईरानी प्याज, देख रहे हैं ये ईरानी प्याज नए निकले हुए हैं। देखें देखें, ये मसाला हमारा बन के तैयार हो गया सारा। ये होगी बंद गोभी, ये आ गए हमारे मटर, ये आ गए टमाटर, ये सब्ज़ धनिया, ये सब्ज़ मिर्चें और ये प्याज। लहसुन बन रहा है, लहसुन बन जाता है फिर वो भी मैं उसके बाद बनाना शुरू करता हूँ ना सालन को वो भी। ये देखिए मैंने 2 चम्मच खाने वाले ना ये ऑयल शामिल किया है इसमें, ऑयल गर्म हो जाता है इसके अंदर, फिर मैं जो मैंने मसाले बनाए ना मैं वो ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑयल हल्का हल्का गर्म हो रहा है, देखें। ये अब इसमें हम प्याज और लहसुन का पेस्ट मिक्स करेंगे। ये देखें, ये प्याज डालने इसमें मैंने, 2 प्याज जो मैंने काटे थे बारीक बारीक, और इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया। ठीक है, देखें माशाल्लाह, देखिए इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, जो बंद गोभी बनने जा रही है ना, ये तो सलाद में तो लोग खाते खाते हैं, लेकिन इसका सालन भी बहुत टेस्टी बनता है, सब्जी की सौगात है। हो गया, अब इसमें मैं टमाटर ऐड करने लगा हूँ, 3 टमाटर मैंने काटे हुए थे ना, जो वो मैं ऐड कर देता हूँ। फ्लेम इक ना हमने हल्का फ्लेम रखना, ठीक है, बस सारे ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग मैंने इटली से ली है पकाने की, खाना पकाने की, मैं नहीं शेफ बन गया मैं। बस ये मसाला आपके सामने, टमाटर और प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया था, अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँ। ये देखिए मैंने इसमें सूखा धनिया ले लिया, हल्दी ले ली, मिर्च ले ली और ये नमक ले लिया, मैं इन सबको इसके अंदर शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, ये मैंने ऐड कर लिया इनको। ठीक है, ये देखें अब मैं इसके अंदर, सारे मसाले मैंने सही से ऐड कर, ये इसमें मसाले डालने के बाद मैं अब इसमें मटर जो मैंने छीले होते, ये देखें ये मटर मैं ऐड कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आज ये बंद को माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मटर मैंने ऐड कर दिया मसाले के अंदर। ये देखें, ये मैंने इटली से किया था शेफ़ का कोर्स ना, तो मुझे 2 साल लगे थे ये शेफ़ का कोर्स करने के लिए। देख रहे हो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें मसाले के अंदर मैंने मटर ऐड कर दिए, इसको थोड़ा सा भी पकने देते हैं, इसे 2 से 4 मिनट पकने देंगे, उसके बाद इसमें मैंने जो बंद गोभी काट के रखी थी वो उसमें ऐड करूँगा। ठीक है, I'm gonna go
बस ये मटर गलने वाले हैं, ठीक है। ये मटर को थोड़े से और गलने, ऐसे 1 से 2 मिनट और मटर गल जाएं, उसके बाद मैं इसमें जो है मेरे पास कटी हुई है बंद गोभी वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, ठीक है। देखिए माशाल्लाह, अब भी से देखें कितनी प्यारी लग रही है। सब्जियाँ खानी चाहिए गाइस, सब्जियाँ खानी चाहिए, सब्जियाँ खाने से बंदे की ताकत आती है, अमन पूरी होती है सब्जियाँ खाने से। देखिए अब मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाह रहमान गोभी शामिल करने लगा हूँ। देखिए इसको साथ साथ में ऐसे मिक्स करते जाना, देख लेना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए इसको इस तरह जो मसाला था ना हमारा मटर का, टमाटर का, प्याज का, दूसरा मसाला जो मिलता है उसमें बंद गोभी को इस तरह क्या कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये सारी बंद गोभी मसाले के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है ना। देख लेना आँच भी हल्की रखनी, आँच फुल भी नहीं रखनी, ये ना हो कि फिर आपने आँच फुल रख ली नहीं कहना ओए लग गई हमारी सब्जी, ये फिर ड्रामे नहीं होते, आँच का भी ख्याल रखना पड़ता है इसमें। देखें माशाल्लाह 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 गाइस, ये देखिए इसमें मैंने बंद गोभी जो ऐड की थी ना, अब ये बस ऑलमोस्ट बनने वाली है, लेकिन अभी इसको थोड़ी सी है देर, थोड़ी सी देर है, ये जैसे ही बनती है ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए सब्जी बहुत टेस्टी बनती है इसकी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे समझो ये चाइनीज़ चावल खा रहे। देखें गाइस कलर देखें इसका, कलर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बन रही है, अब ये पानी छोड़ेगी अपना, अब इसको मैंने तकरीबन और भी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा इसको तकरीबन 15 मिनट, हाँ ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट इसको इसी तरह बनने के लिए मैंने छोड़ देना है ना, 10 मिनट पहले छोड़ा मैंने इसको बनने के लिए, 15 मिनट और तकरीबन 25 मिनट ये पकेगी ना तभी इसका जायका आएगा। अच्छा ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ना कम होगी ना, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता बैठती जाएगी इसका, देख रहे हैं ना माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अभी बन कर तैयार हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये देखें सब्जी अब मुकम्मल बन कर तैयार है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। जो इसने अपना पानी छोड़ना था छोड़ दिया, बस सब्जी बिल्कुल मुकम्मल बन कर तैयार है, देखें गाइस माशाल्लाह बिल्कुल बन कर तैयार है, बिल्कुल बन कर तैयार है, ये देखें कलर देखें इसका माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इसको ना एक छोटी सी प्लेट में निकालेगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें मैंने एक प्लेट में इसको सालन को निकाला, माशाल्लाह देखें इसे कितना अच्छा सालन बना, खाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप ये ज़रूर आपने घर में बनानी है लाजमी, और आपने मुझे बताने की कैसी बनी आपकी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।